क्या लिया गया, क्या लगता है कितनी जल्दी ये रोड्स वगैरह खोल दिए जाएंगे और बाकी क्या क्या? आज की हमारी ये मीटिंग जो है इसी इशू को लेकर के आने वाला सीज़न जो है कोरोना के बाद, यहाँ पर आपने देखा होगा कि शुरू में ही जिस तरीके से बाहर का टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो उसको किस तरीके से रोड की फैसिलिटी अच्छी हो, यहाँ पे जो है रोडों को ब्लैक टॉप किया जाए, आसपास के रोड है चाहे वो पदरी रोड है चाहे वो हमारा सथरगल वो रोड है, तो ये सारी रोड हैं, जाई की रोड है, इन सब रोडों को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनको आज यहाँ पर बुलाया गया था। और यहाँ पर बिजली जो है उसके कट्स जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ, उस पर भी बात हुई। यहाँ पर म्यूनसिपल्टी की तरफ से जो सैनिटेशन का काम है कि उसमें भी जो नाले हैं आसपास के जो हैं इनको कैसे साफ़ रखा जाए, तो उस पर भी बात हुई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर सीज़न शुरू हो रहा है उसमें एग्रीकल्चर वालों को क्या क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पर सीड की क्या पोजीशन है, यहाँ पर फर्टिलाइज़र की क्या पोजीशन है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं। और ख़ास करके यहाँ पर जो पार्किंग का इशू है, इलीगल पार्किंग और रेडी और फड़ी वालों का जो बीच में जो है वो एक बड़ा कंजेशन रहता है, तो टूरिस्ट को अच्छा वो फील नहीं होता है। आसपास के जो हमारे पूजा के स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हैं चाहे वो मस्जिद हैं, उनके लिए भी कनेक्टिविटी ठीक हो, वहाँ पर बिजली ठीक हो, वहाँ पर साफ़ सफाई हो, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। और इनको हमने एक टाइम लिमिट दी है, इन्होंने हमारे जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने इसको नोट किया है, और एक टाइम भी फिक्स टाइम में वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दुरुस्त होंगी और लोगों को एक अच्छा यहाँ पर फील होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो सीज़न हमारा आ रहा है उसमें जो लोग पिछले 2-3 सालों से अंदर ही अंदर थे, तो बाहर से लोग जो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो, उस पर सारा डिटेल डिस्कशन हुआ है। और मुझे लगता है कि ऐसी जैसी मीटिंगें हम करते रहेंगे, रिव्यू लेते रहेंगे और इनको जो है हम जो है और एक्टिवेट करेंगे ताकि यहाँ पर एक अच्छा साल जो है ये हमारा जाए। तो ये क्या लगता है कब तक ये रोड खुल जाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट आना जाना चाहता है पदरी में, सथल में, छतरगढ़ में? ये खास करके जो पदरी रोड की बात की और सथल की, ये 31 तक जो है इनसे हमने टाइम दिया है, तो ये कहते हैं 31 तक हम ये रोडें खोल देंगे। एक दूसरी बात, आपने एग्रीकल्चर की बात की, फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उनकी ये शिकायत है कि उनको डिपार्टमेंट तो है यहाँ पे हार्टिकल्चर लेकिन वो कभी उनके पास नहीं आता और पेस्टिसाइड के लिए उनको कश्मीर जाना पड़ता है। जो प्रोग्रेसिव फूड ग्रोवर्स हैं उनको कहता है कि हमें यहाँ पर अवेलेबल सब्सिडी की तो बात छोड़ें, अवेलेबल ही नहीं होता, क्या उसके लिए कुछ किया जाएगा ताकि फूड ग्रोवर्स जो हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव फूड ग्रोवर्स हैं उनको परेशानी ना हो? उसके लिए जो ये डिपार्टमेंट है इसमें